जिला हमीरपुर के टौड़ी देवी इलाके के एक सरकारी स्कूल में शराब का सेवन करके पहुंचे 10वीं और 12वीं के दो छात्रों के मामले में अब पुलिस भी एक्शन मोड में आ गई है। मंगलवार दोपहर करीब 2 बजे पुलिस ने स्कूलों के आसपास चल रही दुकानों पर दबिश दी। इस दौरान पुलिस ने छात्रों को शराब परोसने वाले दुकानदार के खिलाफ तो कानूनी कार्रवाई की ही, साथ ही स्कूल के 100 मीटर के दायरे में चल रही अन्य दुकानों पर भी छापेमारी की। इस दौरान पुलिस ने दुकानों से बिना लाइसेंस बीड़ी, सिगरेट, गुटखा और खैनी जैसे मादक पदार्थों को जब्त किया और आगामी कार्रवाई अमल में लाई जा रही है। हमें शिकायत प्राप्त हुई थी थाना में कि कोट स्कूल के पास दुकानदार जो है बच्चों को बीड़ी, सिगरेट, तंबाकू प्रोडक्ट्स बेच रहे हैं, जिस पर आज पुलिस ने वहां पर कार्रवाई की है और 3 दुकानों में रेड करके हमने बीड़ी, सिगरेट, टबैको प्रोडक्ट्स को सीज किया है और उन दुकानदारों के खिलाफ हमने कार्रवाई की है। स्कूल के 100 मीटर के रेडियस में कोई भी व्यक्ति जो है टबैको प्रोडक्ट्स, लूज बीड़ी, सिगरेट तो बेच नहीं सकता है, टबैको प्रोडक्ट्स बेचने की भी मनाही होती है। पंजाब केसरी टीवी के लिए हमीरपुर से गौरी की रिपोर्ट। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। इसी तरह के और भी अपडेट्स के लिए फॉलो करें हमारा इंस्टाग्राम पेज हिमाचल डॉट